वेलकम फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, फिर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस है। नाउ ऑडियंस दिया गया है एक्स इज इक्वल टू टू है एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई है। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको इवैल्यूएट करना है। इससे पहले हमको क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए इधर, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर फोर ए वाई, ये हो गया पैराबोला इक्वेशन हो गया, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे ऑफ दिस कर्व, सो विथ एक्स इज इक्वल टू है। सो डायग्राम इस तरह आएगा ये, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तो वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। सो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई एक्सिस है, पैराबोलिक इक्वेशन इस तरह डायग्राम आएगा, ठीक है। नाउ हेयर, नाउ हेयर, सो एक्स इज इक्वल टू टू है, इस इक्वेशन में हम एक्स वैल्यू डालेंगे हमको, ओके, एक एक्स इज टू है, वाई को फाइंड आउट करेंगे हम। नाउ देयरफॉर टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई हो गया, ये हो गया फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई एंड वाई इज इक्वल टू ए हो गया। सो इधर जीरो जीरो है, इधर पॉइंट क्या आएगा, एक पॉइंट x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू टू है, y इज जीरो हो जाएगा, एक पैरेलल टू दी y एक्सिस होता है। इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट को फाइंड करना है, x इज इक्वल टू टू है हो गया एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। दिस इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको ही कहते हैं हम, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x एंड y आर, x इज टू है, y इज a, इसको ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए, सो x इज इक्वल टू टू है, मतलब x इज जीरो टू टू है हो गया, इधर से हो गया, y इक्वल टू क्या है इधर, सो y इज इक्वल टू जीरो टू, ए पैराबोल इक्वेशन हो गया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है, इसी एरिया को हम फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर r है, सो एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू, हम लिमिट्स लेंगे इधर, फर्स्ट क्या लेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू लेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए हो गया, सॉरी जीरो टू 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 ए हो गया, एंड वाई इक्वल टू क्या है इधर, इधर से है, सो वाई इज क्या है इधर, इस एक्सिस में जीरो है टू दिस वन, ओके, सो वाई इज इक्वल टू क्या इधर, सो एक्स स्क्वेयर बाय फोर ए, फोर ए आएगा, ओके। सो इधर क्या वाई लेना है, एक्स स्क्वेयर बाय फोर ए ही होता है, ठीक है। नाउ एक्स वाई फर्स्ट है क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। नाउ आई इज इक्वल टू, सो एक्स इज जीरो टू टू है, नाउ एक्स इज स्टेटेड एज ए कॉन्स्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई है ना इंटीग्रेशन, एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आएगा वाई स्क्वेयर बाई टू आएगा, विथ लिमिट जीरो टू एक्स स्क्वेयर बाई फोर ए हो गया, ठीक है। नाउ सो इंटीग्रेशन एक्स इज जीरो टू टू है, ये वन बाई टू बाहर लेंगे हम, वन बाई टू तो बाहर लिया, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, एक्स ऐसे ही रखेंगे, पुट y इक्वल टू, इस टर्म को लेना है, इधर y स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये आएगा एक्स टू फोर बाय फोर स्क्वायर सिक्सटीन ए स्क्वायर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ नाउ i इज इक्वल टू, सो इधर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, सिक्सटीन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर लेंगे हम, सो वन बाय टू इंटू सिक्सटीन हो गया थर्टी टू ए स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इज जीरो टू टू ए, अंदर क्या है x इंटू एक्स टू फोर, ये हो गया एक्स टू फाइव डी एक्स हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू फाइव को, वन बाय थर्टी टू, सॉरी थर्टी टू ए स्क्वेयर, इसको इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, एक्स टू सिक्स बाय सिक्स आएगा, लिमिट इज जीरो टू टू ए हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू वन बाय थर्टी टू ए स्क्वेयर, फर्स्ट अपर लिमिट लाएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या है टू ए, टू ए होल रेस टू सिक्स है, ए आएगा सिक्सटी फोर ए रेस टू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स, माइनस लोअर जीरो हो गया, जीरो ही रहेगा, ठीक है। इधर देखिए, नाउ आई इज इक्वल टू, सॉरी इधर थर्टी टू ए स्क्वायर है, सॉरी थर्टी टू ए स्क्वायर इधर, सो थर्टी टू वन जा थर्टी टू टू जा टू वन जा थ्री टू थ्री जा सिक्स होता है, ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ ए रेस टू फोर डिवाइड बाई थ्री ही बचता है, ओके, सो आई इज इक्वल टू ए रेस टू फोर बाय थ्री।
अगर हम दूसरे अल्टरनेट फॉर्म से लिया तो इधर क्या है, फर्स्ट एक्स लिया है बाद में वाई लिया है, हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे। सो आई इज इक्वल टू, इधर देखिए फर्स्ट हम क्या लेंगे, वाई इक्वल टू लेंगे, आफ्टर दैट एक्स इज इक्वल टू लेंगे। सो एक्स वाई फंक्शन तो सेम रहेगा, इधर डी एक्स एंड डी वाई आएगा। ओके फर्स्ट क्या लेना है, वाई इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू लेना है इसी डायग्राम यूज करके। इधर वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है, जीरो टू दिस पॉइंट, जीरो टू दिस पॉइंट मतलब क्या हो गया, सो जीरो टू ए हो गया। सो वाई इज इक्वल टू जीरो टू ए हो गया। बाद में एक्स लेंगे हम लेफ्ट टू राइट, सो ये लेफ्ट कर हो गया, ये तो राइट कर हो गया, ठीक है, ये पैराबोल इक्वेशन है। सो एक्स लेंगे हम, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, इसका एक्स लिया तो हमको इधर आएगा लोअर लिमिट, एक्स इज इक्वल टू रूट फोर ए वाई आएगा टू दिस वन, एक्स इज इक्वल टू दिस टू ए, एक्स इज इक्वल टू टू ए। बाद में हम इसको इवेल्युएट किया तो सेम ही आंसर आएगा, ए रेस टू फोर बाई थ्री ही आएगा। ओके अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाए, और आई बटन में कुछ लिंक्स है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।